राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू माता वैष्णो देवी भवन में बने स्काईवॉक व पार्वती भवन का कल करेंगे उद्घाटन। स्काईवॉक के प्रवेश द्वार पर बनाई गई है 60 मीटर लंबी गुफा। नव दुर्गा पथ में माता के 9 रूपों की मिलेगी झलक। माता वैष्णो देवी भवन में श्रद्धालुओं की अधिक संख्या को नियंत्रित करने के लिए करीब 300 मीटर लंबा स्काईवॉक बनाया गया है, जिसके प्रवेश द्वार पर 60 मीटर लंबी गुफा है, जिसमें माता दुर्गा के 9 रूपों को प्रतिबिंबित किया गया है। इस गुफा को नव दुर्गा पथ नाम दिया गया है। स्काईवॉक में प्रत्येक 100 मीटर की दूरी पर श्रद्धालुओं के लिए प्रतीक्षा हाल बनाए गए हैं। स्काईवॉक का निर्माण करीब 15.5 करोड़ की लागत से किया गया। इस स्काईवॉक को बनाने में करीब 15 महीने का समय लगा। स्काईवॉक में वुडन फ्लोरिंग का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके एक तरफ शीशे लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालु माता वैष्णो देवी भवन को भी निहार सके। इसी स्काईवॉक का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल करने जा रही है। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पार्वती भवन का भी उद्घाटन करेंगी। आपको बता दें कि पार्वती भवन को रिमॉडल किया गया है, जिसमें करीब 1500 लॉकर्स बनाए गए हैं। काबिले गौर है कि 31 दिसंबर 2021 और 1 जनवरी 2022 की दरमियानी रात को नववर्ष के मौके पर माता वैष्णो देवी भवन में श्रद्धालुओं की अधिक संख्या होने के चलते मची भगदड़ से करीब 12 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि कई श्रद्धालु घायल हो गए थे। इसके बाद ही श्रद्धालुओं की अधिक संख्या को नियंत्रित करने के लिए माता वैष्णो देवी भवन में स्काईवॉक का निर्माण शुरू करवाया गया था। अंचित शर्मा की रिपोर्ट। खास करके भीड़ के नियंत्रण को देखते हुए तो भवन पर दो अहम प्रोजेक्ट्स का बोर्ड ने फैसला किया था पिछले साल, जिनमें से एक दुर्गा भवन था, जिसको मुकम्मल कर पिछले नवरात्रि में चेयरमैन साहब के द्वारा पिलग्रिम्स को जो है समर्पित कर दिया गया था। दूसरा अहम प्रोजेक्ट था हमारा स्काईवॉक, जो तकरीबन 15 महीने के अंतराल में और तकरीबन 15.5 करोड़ की लागत पे कंप्लीट हुआ है। इसके अंदर भी मैं समझता हूँ कि हमारे सभी यात्रियों को भवन पर जाने के और आने में काफ़ी सुविधा महसूस होगी, क्योंकि जाने और आने का रास्ता इसके जरिए अलग कर दिया गया है। तो जो यात्री हमारे भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे होंगे वो स्काईवॉक के जरिए, जिसको हम पहले गेट नंबर 3 के नाम से शायद कई सारे लोग जानते हैं, तो गेट नंबर 3 पर एक एंट्रेंस जो है स्काईवॉक की अवेलेबल होगी, और एक नवदुर्गा पथ जो हमने जिसका निर्माण किया है, जिसके अंदर माता के 9 रूपों को हमने दर्शाने की कोशिश की है, ताकि एक स्पिरिचुअल एम्बियंस, एक स्पिरिचुअल माहौल यात्री महसूस करें जैसे ही वो स्काईवॉक एंटर करें। उसके बाद वो 250 मीटर का एक लंबा फ्लाईओवर है और वुडन फ्लोरिंग का हमने उसके अंदर इंतजाम किया है, ताकि नंगे पांव चलने वाले यात्रियों को सहूलियत रहे। और उसके बाद जो दर्शन करके वापस आ रहे यात्री होंगे वो हमारे एग्जिस्टिंग ट्रैक से ही वापस आ सकते हैं, ताकि एक सर्कुलर फ्लो को हम मेंटेन कर पाएं, और जो दर्शन करने का टर्न अराउंड टाइम जिसको हम कहते हैं वो हम और कम कर सके यात्रियों के लिए, और वो कम समय में आकर कटरा में फेस्टिवल के अंदर शिरकत कर सके और दूसरी एक्टिविटीज में भाग ले सके। सेकेंड मेजर प्रोजेक्ट जो है हमारा वो पार्वती भवन का है। पार्वती भवन एक हमारी पुरानी बिल्डिंग है, जैसा आप लोग जानते हैं, जिसमें डॉर्मिटरीज थी, उसको हमने रेट्रोफिट किया है, रिमॉडल किया है, और रिमॉडल करने के बाद उसके अंदर 1500 नए लॉकर्स शामिल किए गए हैं। और क्योंकि लॉकर्स में भी हम कई बार भवन पर देखते थे कि कतारों में लोगों को इंतजार करना पड़ता था, और लॉकर्स के अंदर थोड़ा सा हमने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी किया है कि इस बार लॉकर्स के लिए RFID कार्ड होना मैंडेटरी होगा, तो RFID कार्ड वेरिफिकेशन के बाद ही आपको लॉकर की सुविधा उपलब्ध होगी। ये सुरक्षा के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और हमारी रिकॉर्ड कीपिंग के लिए भी जरूरी है, क्योंकि पहले लोगों को मैन्युअली नाम दर्ज कराना पड़ता था, उन सब चीज़ों से उनको मुक्ति मिलेगी। तो RFID वेरिफिकेशन के बाद ही तुरंत इमीडिएटली उनको लॉकर की सुविधा होगी, और लॉकरों के लिए सामान जमा कराने और वापस करने के लिए भी बोर्ड के कर्मी यात्रियों की सहायता करेंगे, उनको खुद अपने लॉकर तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, वो काउंटर अपना सामान दे सकते हैं और वापसी पर वो बैंड दिखाकर अपना सामान उनको वापस मिलेगा। सामान की सुरक्षा के लिए पूरी बिल्डिंग को CCTV कैमरास से इक्विप किया गया है, और जिसकी राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग रहेगी, ताकि उनका सामान सुरक्षित रहे और वो वापस आकर अपना सामान लेकर जा सकते हैं। इसी भवन के अंदर हमने बेदिंग घाट, स्नान घाट जो है उनकी संख्या में भी वृद्धि की है, और सेकेंड फ्लोर लेडीज के लिए और थर्ड फ्लोर जेंट्स के लिए एक्सक्लूसिवली पार्वती भवन में तैयार किया गया है, ताकि एक ही बिल्डिंग में खास करके वो यात्री जो हमारे बैटरी कार के जरिए हिमकोटी मार्ग से जो पैदल यात्री पहुंच रहे हैं, उन लोगों के लिए जैसे वो कहते हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा। उसी बिल्डिंग के अंदर आपको नहाने की सुविधा होगी, लॉकर्स की सुविधा होगी, आप अपना सामान रखकर उसके बाद स्काईवॉक के जरिए दर्शन की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं, और वापसी पर ट्रैक के जरिए वापस लौटकर सामान कलेक्ट करके वापस जा सकते हैं। तो ये दो अहम हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंटरलिंक्ड प्रोजेक्ट्स थे, और यात्रियों को भी काफी देर से इनकी उम्मीद थी,